श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम बताएंगे आज जो हमारे बच्चे हैं, आज जो बदलता परिवेश है बच्चों का, हम किस ओर जा रहे हैं? क्या एक चिंता का विषय नहीं? आज बहुत दिन से बच्चों के बदलते परिवेश को देखते हुए मानस पटल पर एक पीड़ा और चिंतन उभर रहा है। विचारों का प्रवाह किसी भंवर की तरह फिर मंथन कर रहा है कि शायद सारी बातें यहां बोलना या करना आसान न होगा। फिर भी कोशिश है कि संपूर्ण विचारों का एक अंश मात्र ही मैं बता सकूं तो शायद वही अच्छा होगा। आज इसी विषय पर जब हम बोलने बैठते हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे तो हमें नहीं पता है, पर शायद कुछ अच्छा ही बोलेंगे। पर इस विषय पर जो चिंतन जो हमने किया है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। हम और आप एक पीढ़ी है जिसने कि कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के चंद वर्षों में अपनी आंखें खोली हैं और जो इस देश के साथ बड़े होते गए हैं, आज युवा से बुजुर्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मगर बात है कि देश जवानी की दौर में है। मेरी और आपकी वो पीढ़ी है जो चिमनी और लालटेन से कंप्यूटर तक की यात्रा की है। हमने तो भाई की है, आपने भी शायद की होगी। हम अपनी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हमारी जो देख रहे हैं तो 100% उनके जो मदर फादर हैं उन्होंने भी हमारी तरह लालटेन से कंप्यूटर तक की ज़िंदगी देखी होगी। हमारी पूर्व पीढ़ी ने युद्ध और शांति के अध्याय पढ़े हैं। हमारी पीढ़ी ने भ्रष्ट नेताओं और राशन की पंक्तियों में खड़ी गरीबी देखी है और आज चमचमाते मॉलों में विदेशी ब्रांड के लिए नौजवानों की पागल भीड़ देख रही है। मगर आज की युवा के इस बदलते परिवेश को जो हम देखते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से होता है, जिसमें समस्त परिवार मुखिया के संचालन में संचालित होता था। परिवार के समस्त सदस्यों के कार्यों का विभाजन मुखिया के सहमति से होता था। परिवार के सभी सदस्य बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे एक ही सांझे चूल्हे पर परिवार के वयोवृद्ध मुखिया की छत्रछाया में जीवन यापन करते थे। परंतु आज का परिदेश बदल चुका है। हम उन्नत एवं प्रगति और विकास की दुहाई देकर हम रिश्तों की उस खुशनुमा जिंदगी को खोजते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, जो मिलने पर भी वापस नहीं मिलना है। हम उस प्रथा को छोड़ने को मजबूर हैं। संयुक्त परिवार में अपने से बड़े एवं वृद्ध का मान सम्मान तथा उनकी भावनाओं का पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाता था, परंतु आज के विकसित एकल परिवार में इस चीज का विघटन होता जा रहा है और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द तथा भाईचारे की भावना समाप्त होती जा रही है। इसमें हमारे जो युवा वर्ग हैं, ये ऐसा नहीं कि वो दोषी हैं। देखिए, आज जब हम कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं तो जो मुखिया भी होता है ना, मुखिया भी क्या करता है, जो उनका अपना परिवार है वो उनकी तरफ स्वार्थवश ज़्यादा देखता है। तो जहाँ ये भावना आ गई स्वार्थ और अपने परिवार अपने बच्चे की तरफ अगर उसका झुकाव ज़्यादा हो गया तो देखिए हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। कहीं ना कहीं तुम अपने बच्चे को 200 ग्राम दूध पिला रहे हो पर सामने वाले जो बच्चे हैं, आपके चाचा के जो लड़के हैं या आपके बेटे के जो बच्चे हैं, उनको जब उतने दूध से कम दूध मिलता है तो यहाँ से एक डिफरेंट से स्केट होना शुरू हो जाता है। तो हम पूरी तरह युवा को इसके लिए आज के जनरेशन को हम दोषी नहीं मान सकते हैं। फिर भी जो हो रहा है वो एक चिंतनीय विषय है। आज यदि अपने आसपास नजर डाली जाए, आसपास ही क्यों, यदि अपने घरों में भी झांका जाए तो साफ पता चलता है कि बच्चे बहुत बदल रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि अब समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि बच्चे और उनसे जुड़ा उनका मनोविज्ञान, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार सब कुछ बदलेगा ही। मगर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बदलाव बहुत ही गंभीर रूप से खतरनाक और नकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर है। पहले ओल्ड एज होम नहीं हुआ करते थे, आज ओल्ड एज होम खूब फल फूल रहे हैं, बहुत सारे ओल्ड एज होम हैं।
आज नगरों महानगरों में ना तो बच्चों में वो बाल सुलभ मासूमियत दिखती है और ना ही उनके उम्र के अनुसार उनका व्यवहार दिखता है। आप जो हमारी उम्र के जो बच्चे हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं या हमसे बड़े वाले हैं, इस चीज़ को खास करके फील करते होंगे कि क्या आपके बच्चे वही हैं। आप जब अपना दिन याद करोगे तो आप पाओगे कि यार तो आप अपने मम्मी पापा के सामने बैठते भी नहीं थे, क्या आज के जो बच्चे हैं वही कर रहे हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं बदलाव आया है। हम इस बदलाव को बुरा नहीं कह रहे हैं, बुरा कहने की मनसा हमारी बिल्कुल नहीं है, पर वो बाल सुलभ मासूमियत जो दिखती थी वो नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि बच्चे अपने उम्र से कई गुना अधिक या कहूँ कि हमसे ज़्यादा परिपक्व हो गए। अच्छी बात है, हमारा देश तरक्की करेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि आने वाले समय में जो नस्लें हमें मिलने वाली हैं उनमें वो गुण और दोष स्वाभाविक रूप से मिलने वाले हैं जिनसे आज का समाज खुद जूझ रहा है। बदलते परिवेश के कारण आज न सिर्फ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अव्यवस्थित हो रहे हैं बल्कि आश्चर्यजनक रूप से जिद्दी हो रहे हैं, हिंसक हो रहे और कुंठित भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इसका नतीजा सामने, पिछले एक दशक में ही ऐसे अपराध जिनमें बच्चों की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। इनमें गौर करने लायक एक और तथ्य यह है कि ये प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अधिक रहा है। बच्चे न सिर्फ आपसी झगड़े, घरों से पैसे चुराने जैसे छोटे मोटे अपराधों में लिप्त हो रहे हैं बल्कि चिंताजनक रूप से नशे, चूहे, गलत यौन आचरण, फूहड़ और फैशन की दिखावटी जिंदगी यादि जैसे आदतों में पड़ते जा रहे हैं। बच्चों में आने वाले इस बदलाव का एक और कारण है, और एक और कारण क्या, एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। इनमें पहला कारण है बच्चों के खान पान में बदलाव। आज समाज जिस तेजी से फूड या जंक फूड की आदत को अपनाता जा रहा है उसके प्रभाव से बच्चे भी अछूते नहीं हैं। बच्चों के लिए जो प्रिय खाद्य पदार्थ हैं आज चॉकलेट है, चाउमीन है, तमाम तरह के चिप्स, स्नैक्स, बर्गर, ब्रेड यदि न जाने नाम व स्वाद भी नहीं जानता वो भी शामिल हो चुके हैं। पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें से बच्चे दोषी नहीं हैं। आज हम भी जाते हैं किसी के घर पर तो हम चॉकलेट लेके जाते हैं, तो बच्चे भी गलत नहीं है, मतलब ये है कि हम भी वही कर रहे हैं। एक कहावत है, पर कहावत है कि जैसा खान वैसा पान और वैसा इसे भाव, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अभी फल, हरी सब्जी, साग, दूध, दालें जैसे भोज्य पदार्थों से दूरी बनती जा रही है, डिस्टेंस मेंटेन होता चला जा रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि बच्चे कम उम्र में ही मोटापे, रक्तचाप, आंखों की कमजोरी, हृदयाघात और उदर से संबंधित कई रोगी और सबसे भयानक मधुमेह का शिकार बनते जा रहा है। बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, आजकल के बच्चों को कम दिखना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि साग सब्जी से पूरे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए, पकौड़ी चाहिए, उनको क्या चाहिए, कचौड़ी चाहिए। तो सीधी बात है, कैसे दिखेगा, उनकी नज़रें क्यों नहीं कमज़ोर होगी, उनकी अकल क्यों नहीं मोटी होगी, खान पान का तो बड़ा फर्क पड़ता है। भारतीय बच्चों में जो भी नैतिकता, व्यवहार कुशलता स्वाभाविक रूप से आती थी उसके लिए उनकी पारिवारिक संरचना बहुत हद तक जिम्मेदार होती थी। पहले जब सम्मिलित परिवार हुआ करते थे तो बच्चों में रिश्तों की समझ, बड़ों का आदर, छोटों का स्नेह, सुख दुख की एक नैसर्गिक समझ हो जाया करती थी। उन्हें परिवार को लेकर एक दायित्व और अपनापन अपने आप विकसित हो जाता था। साथ बैठकर भोजन खाना, भोजन करना, साथ खड़े होकर पूजा करना, ये सब अब चीज़ें दुर्लभ हो गई है। पूजा पाठ का स्थान आज व्हाट्सएप और फेसबुक ने ले लिया है। आजकल के बच्चे व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, उनको ये नहीं समझ में आता कि व्हाट्सएप से उन्हें क्या नुकसान हो रहा है। उंगलियां थक जाती हैं, उंगलियों में पोर्स दुख जाते हैं, बीमारियाँ हो रही हैं। जब आप व्हाट्सएप सुबह सुबह देखते हैं तो आपकी आँखों को अफेक्ट करता है, पर ये मूर्ख बच्चों को नहीं समझ में आता है। माँ बाप की आप मानते नहीं। सभी पर्व त्योहारों में मिलकर उत्साहित होना, कुल मिलाकर जीवन का वो पाठ जिसे लोग दुनियादारी कहते हैं, वो सब सीख और समझ जाया करते थे। आज इस बात में मुख्य रूप में चिंता जाहिर होता है या चिंता जाहिर करता हूँ कि आज जहाँ महानगरों में माँ बाप दोनों के काम काजी होने के कारण या पिता सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हुए
रुपयों के पीछे भाग रहा है, बच्चे दूसरे माध्यमों के सहारे पाले पोसे जा रहे हैं या पद से भ्रमित हो रहे हैं। वहीं दूसरे शहरों में भी परिवारों के छोटे हो जाने के कारण बच्चों का दायरा सिमट कर रह गया है। इसके अलावा बच्चों में अनावश्यक रूप से बढ़ता पढ़ाई का बोझ, माता पिता की जरूरत से ज्यादा अपेक्षा और समाज के नकारात्मक बदलाव के कारण उनका पूरा चरित्र ही बदलता जा रहा है। यदि समय रहते इसे नहीं समझा और बदला गया तो इसका परिणाम निस्संदेह ही समाज और परिवार के लिए आत्मघाती साबित होगा। हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, देश हमारा तरक्की करेगा इससे, क्योंकि देखिए आदमी जब बाहर जाता है पैसा कमाता है तो कहीं ना कहीं हमारा देश जुड़ा होता है, हमारे देश को फायदा होगा ही होगा, पर हमारी जो सामाजिक स्थिति है वो बदलेगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।